भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। आजादी के बाद देश में कई बड़े बदलाव आए, उनमें एक कृषि क्षेत्र भी था। हरित क्रांति से भारतीय किसानों की दिशा और दशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। आज एक बड़ा कृषक वर्ग पारंपरिक कृषि के साथ साथ गैर पारंपरिक कृषि में भी रुचि लेने लगा है। अपनी रचनाशीलता और कड़ी मेहनत से भारतीय किसानों ने इस क्षेत्र में कई ऐसे कार्य किए जो आधुनिक वैज्ञानिकों के लिए चुनौतियां बने। एक भारतीय किसान की कड़ी मेहनत, कर्मठता और उसकी दक्षता की कहानी कहता है हमारा ये कार्यक्रम नई दिशाएं। और आज इसके प्रथम एपिसोड में हम रोशनी डालेंगे एक अनोखी कृषि पर, सॉल्ट फार्मिंग। जी हाँ, हमारा आज का विषय है नमक की खेती। साधारण दिखने वाली एक असाधारण चीज है नमक। वैसे तो वैज्ञानिक इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं और दुनिया भर में लोग इसे सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, सी सॉल्ट भी कहते हैं, पर हम यहां इसे कहेंगे नमक, हमारे देश का नमक। नमक एक खारे अमृत का नाम है, ये हर जगह है, हमारे रक्त से लेकर पत्थरों तक, छोटे जीव से लेकर विशाल पर्वत तक। ये बिजली बना सकता है, हमें बुरी नजर से बचा सकता है और हमारी जिंदगी में हर जगह जरा सा नमक जरूरी है। इसके बिना जायकेदार खाना बनाने की कोशिश भी मानो असंभव है। ये खारा अमृत रिसाइकल होता है, वो भी बिल्कुल प्राकृतिक रूप से, नेचुरली। और यही खासियत इसे दूसरी चीजों से अलग करती है। इसकी इसी खासियत के कारण हमें कभी भी नमक की कमी नहीं हो सकती। अब सोचने वाली बात यह है कि आज आपने अपने लजीज खाने में जो नमक डाला है, हो सकता है कि वो हजारों साल पुराना हो और शायद ये पहले भी किसी न किसी तरह से इस्तेमाल में आ चुका हो। नमक का सबसे ज्यादा निर्माण समुद्र से, उस खारे पानी से होता है जिससे हम हर वक्त घिरे रहते हैं। जी हां, महासागर। महासागर के पानी में अंदाजन 3.5% नमक होता है, मतलब साधारण तौर पर 100 से 110 लीटर समुद्री पानी से हमें 3.5 किलोग्राम नमक प्राप्त होता है। जैसे धरती की गोद से किसान अनाज उपजाता है, उसी तरह समुद्र की गोद और धरती की मदद से ही उपजता है नमक, देश का नमक। पर यह प्रक्रिया उतनी आसान नहीं है जितनी सामान्य खेती किसानी। नमक बनाने के लिए सबसे पहले तैयार की जाती है सही जमीन। खेत को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि इसकी लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और गहराई 10 इंच के अनुपात में हो। छोटे छोटे भाग में खेत को बांटने के बाद लकड़ी से बने इस खास उपकरण की मदद से जमीन को पीटा जाता है। ऐसा करने से जमीन की तह कड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से उसके पानी सोखने की क्षमता कम हो जाती है। यह प्राचीन तरीका है, शायद 500 वर्ष से भी पुराना। भगवद गीता के अध्याय 7 में भगवान श्री कृष्ण ने नमक का जिक्र किया है। इससे हमें यह पता चलता है कि नमक एक प्राचीन तत्व है, कम से कम 5000 वर्ष पुराना।
महाभारत में भी संबरकुंड के बारे में बताया गया है और वहां नमक की कृषि होने का विवरण भी है। यह हमारे जीवन का मुख्य हिस्सा रहा है हजारों वर्षों से। पीट पीट कर समतल की गई जमीन अब ठोस फर्श की तरह हो जाती है। समुद्री पानी या खारे पानी को इस जमीन में छोटी छोटी नालियों द्वारा लाया जाता है। फिर 35 से 40 दिनों तक इस खारे पानी को इस जमीन पर छोड़ दिया जाता है। सूर्य की गर्मी और ऊर्जा से सतह पर नमक का फर्श तैयार हो जाता है और जो अब इतना सख्त हो जाता है कि अब इस पर चलने से पैरों के निशान तक नहीं रहते। अब ये जमीन नमक बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। काम किया। नमक बनाने की प्रक्रिया एक कला भी है और विज्ञान भी। कुंड में जमा खारे पानी को खेत में भेजने की एक योजना तैयार करनी पड़ती है ताकि नया पानी कुंड में उनकी जगह ले सके। जब भी समुन्दर में ज्वार भाटा उठता है तब समंदर से पानी नालियों द्वारा यहाँ एक कुंड में इकट्ठा हो जाता है। ज्वार या हाई टाइड अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सबसे अधिक होता है। इस कुंड में जमा समुद्री खारे पानी की सैलिनिटी अथवा खारापन 0 से 5 मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। कुंड के किनारे पानी की नियमित तौर पर जांच करनी होती है ताकि इसके खारेपन पर नजर रखी जा सके। ये इतना आसान नहीं होता जितना दिखाई पड़ता है। समुद्री खारे पानी के साथ जब किसानों की सूझबूझ और बरसों का तजुर्बा जुड़ जाता है तभी इस अद्भुत तत्व नमक का निर्माण होना संभव होता है। पानी के नमूने को इस ट्यूब में भरने के बाद उसकी जांच इस मीटर द्वारा की जाती है। ये मीटर हमें समुद्री पानी के बढ़ते हुए खारेपन को दर्शा देता है। जब यह हाइड्रोमीटर 23 से 25 मिलीग्राम पर लीटर का संकेत देता है तब नमक का निर्माण आरंभ हो जाता है। इस आधुनिक उपकरण ने नमक कृषि को एक नई दिशा दी है। प्रतिदिन किसान इस कुंड के पानी के खारेपन की जांच करते हैं। सूर्य की गर्मी और ऊर्जा से ये सैलिनिटी अथवा खारापन बढ़ने लगता है। जब यह 16 से 18 मिलीग्राम पर लीटर के आंकड़े पर पहुंच जाता है तब खारा साफ पानी और समंदर से आने वाली गंदगी एवं जीव जंतु को कुदरत अलग कर देता है। मतलब अब जो पानी इससे आगे खेत में जाने वाला है वो बिल्कुल साफ और अत्यधिक खारा है। अब जब ये उपकरण 24 मिलीग्राम पर लीटर के आंकड़े को छूता है तब किसान इस खेत में इस खारे पानी को छोड़ने की अनुमति देते हैं। खेत के ये छोटे छोटे भाग उथला होने के कारण पानी के तापमान को बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं। नमक निर्माण करने वाले ये किसान अब आधुनिकता की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। ज्यादातर नमक पैदावार करने वाले खेतों में ये ट्यूबवेल लगवा चुके हैं। ट्यूबवेल की मदद से किसान धरती की गोद से सीधे 8 मिलीग्राम पर लीटर के आसपास की सैलिनिटी वाला खारा पानी निकालते हैं। इसमें समुद्र से आने वाली अशुद्धियां भी नहीं होती। आधुनिक ट्यूबवेल और बिजली की उपलब्धि से नमक कृषि में एक नई क्रांति आई। अब आते हैं हम नमक पैदावार के अंतिम पड़ाव पर। जब ये 23 से 24 मिलीग्राम पर लीटर का खारा पानी इन छोटे छोटे खेत के भागों में छोड़ दिया जाता है उसके कुछ ही दिन बाद से हमें नमक बनने के लक्षण दिखाई देने लगते हैं।
पहले नमक की नाजुक एवं पतली पपड़ियां पानी में ऊपर तैरने लगती हैं। फिर जैसे जैसे इन पपड़ियों का वजन बढ़ने लगता है, ये पपड़ियां जमीन की तह पर जा बसती हैं। इस प्रक्रिया में 20